Hey guys, welcome to Rajshri Food. मैं वरुण इनामदार और आज बनाएंगे एक बहुत सिंपल रेसिपी लहसुनी पालक. लहसुनी पालक के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट है ऑफ कोर्स वो है पालक, जिसे हमें अच्छी तरह से धोकर उसे हमें ब्लांच करना है. ब्लांचिंग एक टेक्निकल टर्म है जिसमें हम पालक को जो है उबलते हुए पानी में अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे. एक बार उसका जब रंग निखर जाए, हल्की फुल्की पालक जब पक जाए, उसे इमीडिएटली हम ट्रांसफ़र करेंगे ठंडे पानी में. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो पूरी कर लेते हैं. ब्लांचिंग वैसे करने के दो तीन फायदे होते हैं. सबसे पहला जो फायदा है वो पालक जो है उसकी एक अच्छी फाइन पेस्ट तैयार होती है. और दूसरा और जो बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है इसका जो रंग है, जो हरा रंग है वो अच्छा ब्राइट निखर के आता है. इसे हमें अच्छा हाई फ्लेम पर हमें इसे ब्लांच करना है. ब्लांचिंग करते समय सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि यहाँ तो उबलता खौलता हुआ पानी है, यहाँ हमें एक बोल में आइस वाटर लेना है ताकि ये हम इसमें निकालें और उसका जो टेम्परेचर है वो इमीडिएटली ड्रॉप करें ताकि पालक जो है वो ज़्यादा कुक होकर ब्राउन ना हो जाए. आप नोटिस करेंगे कि इसमें हमने ना बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है ना नमक का, क्योंकि पालक एक ऐसी वेजिटेबल है जिसमें अपना खुद का नमक होता है और सोडा तो खैर उसका इस्तेमाल कीजिए ही नहीं. एक डेढ़ मिनट हो चुकी है अभी और पालक जो है वो अपना अच्छा बॉयल हो चुका है. हमें ओवर बॉयल नहीं करना है क्योंकि इससे जो उसका रंग है वो ब्राउन होता जाएगा या डार्क ग्रीन होता जाएगा. इसे ट्रांसफर कर लेंगे आइस वाटर में. पालक जो है वो अच्छी तरह से हमारी ठंडी हो चुकी है. अब इसे पानी से बाहर निकाल के हम निचोड़ लेंगे कुछ इस तरह. आप देखेंगे कि इसका जो रंग है वो अच्छा ब्राइट ग्रीन हो चुका है. इस पालक को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और पहला जो हिस्सा है वो हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में. इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा पानी. अब हमें एक फाइन पेस्ट करनी है. परफेक्ट, स्मूथ पेस्ट हो चुकी है. अब तैयारी करने लेते हैं इसे कुक करने की. और जो हमारी बची हुई पालक है इसको हम रफली काट लेंगे. तो इसी तरह से एक ही सब्जी में हमको दो टेक्सचर मिलते हैं. पैन हमारा गर्म हो चुका है. सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है देसी घी. घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है. अब इसमें डालेंगे जीरा और उसी के साथ मोटा कटा हुआ लाल प्याज. इसे कर लेंगे हल्का सा मिक्स और जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होता है हम कूटने लेंगे धनिया के दाने. इसमें डाल देंगे कुटा हुआ धनिया. कर लेंगे मिक्स और इसी के साथ कुटा हुआ लहसुन. प्याज और लहसुन हमारे हल्के सुनहरे हो चुके हैं. गैस कर लेंगे कम और इसी में डाल देंगे दो से तीन हरी मिर्ची जिसका स्टॉक निकालकर हमें बस इस तरह उसे तोड़ना है. और इसी के साथ हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच बेसन. बेसन डालने का एक फायदा है कि जो ग्रेवी है वो अच्छी थिक रहती है और इसमें जो पानी है वो अलग से बाहर नहीं निकलता. जब बेसन के अच्छी तरह भूनने की खुशबू आ जाए तब उसमें हम डालेंगे हल्दी और कटा हुआ पालक. इसे कर लेंगे मिक्स और इसे अब हमें तेज आंच पर करीब 30 से 40 सेकंड तक अच्छी तरह से भूनना है. पालक हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है. इसमें अब डालेंगे ब्लांच की हुई पालक की प्यूरे और इसमें अब हमें डालना है करीब आधा कप पानी. इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें पकाना है हाई फ्लेम पर करीब एक से डेढ़ मिनट तक. अब जब तक कि हमारा पालक पक रहा है इसमें इसमें हम डालेंगे बस आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर. कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और साइड बाय साइड करने लेते हैं इसका सेकेंड तड़का. इसके लिए मैं लेने वाला हूँ एक छोटी सी तड़का दानी. इसमें डालेंगे घी. घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है. सबसे पहले डालेंगे जीरा. वो जब स्प्लटर होना शुरू हो जाए इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चे. इसको इस तरह तोड़ देंगे और इसी के साथ हम डालेंगे क्रश किया हुआ गार्लिक.
कर लेते हैं इसे मिक्स। अब ये जो हमारा सेकंड तड़का है उसकी खासियत ये है कि इसमें अच्छा एक ताज़ा फ्रेग्रेंस, ताज़ा एक स्वाद होगा जीरे का, लाल मिर्च का और लहसुन का। जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू होता है तब हम उसमें डालेंगे व्हाइट सेसमी सीड्स या तिल। अब दोनों इंग्रेडिएंट्स को एक साथ हम करेंगे सुनहरा। हमारा तड़का तैयार हो चुका है, गैस कर देंगे बंद और तड़का हम जो है वो स्प्लैश कर देंगे हमारे लहसुनी पालक के ऊपर। कर लेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स और इसी के साथ हमारा लहसुनी पालक तैयार हो चुका है। हमारा ढाबा स्टाइल लहसुनी पालक तैयार हो चुका है, इसे आप एंजॉय करें रोटी, नान या फुलकों के साथ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और राजश्री फूड को सब्सक्राइब करें।